हेलो नमस्कार भाई सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में और लगभग तीन से चार दिन के गैप के बाद आज हमारा सेशन रेगुलर हो पा रहा है तो कमेंट करिए कैसे आप सभी लोग और आपने पिछली क्लासेस को कंप्लीट किया या नहीं किया हाँ जी आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार नमस्कार दोस्तों <coughs> कमेंट करिए जल्दी से क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है और जो पिछले सेशन है वो सारे आप लोगों के कंप्लीट चल रहे हैं मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास फ्राइडे का टाइम है सैटरडे का टाइम है संडे का टाइम है यानी कि तीन दिन का समय हमारे पास प्रॉपर था आज मंडे है और मैंने बोला था कि मैं कुछ मैपिंग से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा और कुछ नहीं होगा तो कम से कम इतना तो होगा ही होगा <coughs> आज कुछ मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे और इसके पीछे उद्देश्य ये होगा कि कम से कम आप लोगों को कुछ पूरा का पूरा कंटेंट याद ना हो तो कम से कम ये पॉइंट तो आपको याद रखना जरूरी है ही है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं जब हम भी तैयारी करते थे तो कई बार ऐसा लगता था कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे होते थे ना तो लगता था कि भाई सब कुछ बहुत बेहतर है और तैयार करना ही कर रहे तैयार कर लिया लेकिन बाद में वो चीजें फिर याद नहीं रहती थी तो इस चीज का आप लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है मैं जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैंने वन लाइन और पॉइंट कराने की कोशिश की थी और <coughs> आज का जो सेशन है आज तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रेडी करके लाया हूं तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे उसके बाद में फिर हम लोग पुडुचेरी के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि फ्रांस का और पुडुचेरी का बहुत लंबे समय तक का नाता रहा है आप लोगों ने पढ़ाई होगा और एक यूनिक फैक्ट जुड़ा हुआ है पुडुचेरी के साथ में कि भाई साहब इसके टोटल चार जिले हैं जिनमें से दो तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं एक आंध्र प्रदेश के अंतर्गत और जो चौथा है वो आता है केरल के अंतर्गत ओके तो चलिए मेरे साथ जुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है जल्दी से आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज लोकेटेड इन लक्षद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है पहला ऑप्शन है बित्रा आइलैंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा ऑप्शन है इंटरव्यू आइलैंड तीसरा है पिट्टी आइलैंड और चौथा है नन ऑफ दीस मैंने आप लोगों को जब लक्षद्वीप के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लक्षद्वीप में एकमात्र क्या है नेशनल पार्क है तो बताइए इसका इसका करेक्ट आंसर आंसर क्या क्या होगा होगा बताइए जल्दी से इसका क्या होगा? बित्रा आइलैंड आइलैंड इंटरव्यू पिट्टी आइलैंड या फिर नन ऑफ दीज बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हाँ जी एक्चुअल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो कमेंट करिए जल्दी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका आंसर क्या होगा हाँ जी <coughs> यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पूछी है बित्रा आइलैंड दे रखा है यहां पे इंटरव्यू आइलैंड दे रखा है पिट्टी आइलैंड दे रखा है देखो बित्रा आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्मॉलेस्ट आइलैंड है किसका तो मैं एल के लिख देता हूं मतलब कि लक्षद्वीप का ये सारे लोगों को अच्छे से पता है वहीं अगर मैं बात करूंगा इंटरव्यू आइलैंड तो यहां पर अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ सेंचुरी है हा या ना और पिट्टी आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का करेक्ट आंसर है ये कहां पर है लक्षद्वीप में है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है तो पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप इस वाले क्वेश्चन को नहीं भूलोगे ओके चलिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज इसमें दे रहा है ये आपका जो पहले मैंने लद्दाख वाली क्लास कराई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है पहला है विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान है पहला है शांदुर प्लेन दूसरा है दमचौक तीसरा है हुंजा और चौथा है सियाचिन <coughs> बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विश्व का सबसे ऊंचा चौगान का मैदान भी कहा जा सकता है इसको है ना चौगान का मैदान क्यों कहा जा सकता है क्योंकि पोलो तो इंग्लिश में बोला जाता है चौगान हिंदी में कहा जाता है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सांदुर प्लेन्स होगा दमचौ होगा हुंजा होगा या फिर सियाचिन होगा हाँ जी बहुत से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर से होगा तो सियाचिन टिक कर देते हैं फैसला आपने करना है जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखो सियाचिन की अगर मैं बात करूंगा तो सियाचिन को क्या माना जाता है इसे माना जाता है थर्ड पोल ऑफ अर्थ इसे क्या कहा जाता है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है इसे वैली की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बताया था इसको कहा जाता है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ और ऐसा इसलिए कहा जाता है मैंने उस वीडियो में इसकी कहानी भी बता रखी है कि यहां पर जो यहां पर रहने वाले जो लोगों की लाइफ है वो लगभग सौ साल जीना यहां पर आम बात है ठीक है मतलब पूरी तरह से टेंशन फ्री जीवन यहीं पर है दमचौक वो स्थान है जो हमारे ईस्ट लद्दाख में पड़ता है और यहां से होकर के जो इंडस रिवर है वो एंटर करती है हमारे इंडिया में लेकिन वही अगर मैं सांदुर प्लेन की बात करूंगा तो इसे सबसे ऊंचा पोलो मैदान यहां पर स्थित है और ये कहां पड़ता है तो आपका आंसर होगा पीओके में पड़ता है और इसका सांदुर नाम क्यों रखा गया है तो इसके पीछे कारण है सांदुर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पर सांदुर नाम से झील है और इस झील से ही गिलगित नदी निकलती है ठीक है इस झील से कौन सी नदी निकलती है गिलगित नदी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कुछ, तीसरे क्वेश्चन पे मैच द फॉलोइंग यहां पर आपको मैच करना है एक तरफ नदी का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ नदी से संबंधित स्थान का नाम दे रखा है तो देखो ध्यान से सबसे पहला पॉइंट है यहां पे कारगिल किस नदी के किनारे पर है पहले किस नदी के किनारे पर है श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है और जम्मू किस नदी के किनारे पर है क्वेश्चन को पढ़ना है और दिमाग लगाना है कि इसका किसका किसके साथ मैच हो सकता है ओके सबसे पहले कारगिल की कारगिल की की बात बात करते हैं अगर मैं करूंगा तो किस नदी के किनारे पर है कारगिल जो है वो शुरू नदी के किनारे पर है ठीक है अगर मैं बात करूंगा पहलगांव की तो पहलगांव मैंने बताया था लेडर नदी दो शाखाओं के रूप में निकलती है एक तो निकलती है ईस्ट लेडर और दूसरी निकलती है वेस्ट लिडर ठीक है दोनों नदियां जहां पर मिलती है उसी पॉइंट का नाम रखा गया है क्या पहलगांव तो पहलगांव का मैच किसके साथ होगा लिडर नदी के साथ होगा श्रीनगर किस नदी के किनारे है तो आपका आंसर होगा झीलम नदी के किनारे है और आप देखना जम्मू कश्मीर वाली जो क्लास है उसमें मैंने पढ़ा रखा है कि जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन किस नदी को माना जाता है तो आपका आंसर होगा तवी नदी को ओके okay. कौन सी नदी को आपका आंसर क्या होगा तभी नदी को माना जाता है अगले क्वेश्चन पर आ जाते विच एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर कॉल्ड सेफ्रॉन सिटी किस शहर को सेफ्रॉन सिटी के नाम से जाना जाता है यह मैंने पूरा क्लियर लिखवा रखा था समझा रखा था है ना पहला ऑप्शन देखो पुलवामा दूसरा है पेम्पोर तीसरा है अखनूर और चौथा है डोडा यह पूरा का पूरा एक जिला है आपको अच्छे से पता है अखनूर की अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू के अंतर्गत आता है और वहीं अगर मैं पुलवामा की बात करूंगा तो पुलवामा के अंतर्गत ही आता है पेमपोर है ना बट स्पेशली पुलवामा में तो बहुत सारे शहर हैं लेकिन उनमें से एक शहर ऐसा है जिसे सेफ्रोन सिटी के नाम से जाना जाता है और वो शहर कौन सा है उस शहर का नाम है पेमपोर ओके तो इसे क्या माना जाता है सैफ्रॉन सिटी माना जाता है साउथ मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दक्षिण भारत का सब दक्षिण भारत का सर्वाधिक दक्षिण भारत का यहां पर लिखना था भारत का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राइट मतलब जो सबसे दक्षिण में स्थित है और इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया था अंडमान निकोबार के बारे में मुझे आप एक बात बताओ कि अंडमान निकोबार का सबसे साउथ पार्ट कौन सा है आप सभी को अच्छे से पता है ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था ग्रेट निकोबार पे दो नेशनल पार्क है उन दोनों नेशनल पार्क में से एक आपको बताना है कि कौन सा है पहला है कैंपवेल दूसरा ऑप्शन दे रखा है झांसी की रानी झांसी रानी नेशनल पार्क चौथा ऑप्शन है गैलेथिया और तीसरा और चौथा ऑप्शन है सैडल पीक तो बताइए एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिए इस वाले क्वेश्चन का आपको कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है वही मजा कर रहे हो आप लोग सारे लोगों के ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर आ रहे हैं है, है ना ऑलमोस्ट सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं कैंप जो है ये है साउथ मोस्ट तो एक तो यही पड़ता है कैंप और ये पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार पे गैलेथिया और ये भी ग्रेट निकोबार पे है राइट सैडल पीक की देखो क्या लिख रखा है काठी शिखर ये गूगल ट्रांसलेट का कमाल है सेडल पीक की अगर मैं बात करूंगा तो ये पड़ता है नॉर्थ अंडमान पे और वहीं अगर मैं बात करूंगा झांसी रानी ये कहां पड़ता है तो आपका आंसर होगा ये बाला स्थित है साउथ अंडमान पे राइट आगे बढ़ जाए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा अंडमान निकोबार इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अंडमान निकोबार को कितने जिलों में बांटा गया है बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो अंडमान निकोबार है इसे टोटल कितने जिलों में बांटा गया है पहला ऑप्शन है पांच दूसरा ऑप्शन है तीन और तीसरा ऑप्शन है चार और लास्ट है दो बताइए कितने जिलों में बांटा गया है अंडमान निकोबार को पढ़ा रखा है आपको है ना अंडमान निकोबार के जिलों के नाम क्या क्या थे बताओ जल्दी से अंडमान निकोबार के कितने जिले थे साउथ अंडमान नॉर्थ और मिडिल अंडमान एक ही में थे और तीसरा कौन सा था निकोबार मतलब निकोबार पूरा का पूरा एक ही हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है राइट तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा मैं लिख देता हूं एक तो था साउथ अंडमान एक था नॉर्थ प्लस मिडिल अंडमान और एक था निकोबार तीन में बांटा गया है अगले क्वेश्चन पर आ जाते विच वैली कॉल्ड ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ किस घाटी को पृथ्वी का ब्लू पॉइंट कहा जाता है पहला ऑप्शन है लिडर वैली दूसरा है गलवान वैली तीसरा है हुंजा वैली चौथा है नुब्रा वैली हर एक घाटी की अपनी अपनी विशेषता है अगर मैं लिडर नदी की बात करूंगा लिडर घाटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी विशेषता क्या है इसमें पहलगांव है राइट right? इसी में आरू वैली है इसी बे बेताब वैली है और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गलवान घाटी डिस्प्यूटेड है पढ़ चुके हैं हम लोग इसको और नुब्रा घाटी सियाचिन से निकलती है नुब्रा ठीक है और हुंजा की अगर हम बात करेंगे तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान का नॉर्थ पॉइंट है इसी हुंजा वैली को जाना जाता है किस नाम से तो आपका आंसर होगा हुंजा घाटी को जाना जाता है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ के नाम से ठीक है चलिए आगे बढ़ते रेजांगला इज लोकेटेड नियर जो रेजांगला है वो किसके पास में स्थित है पहला पॉइंट दे रखा है चिल्लास चिल्लास की अगर मैं बात करूंगा तो ये आता है वेस्ट लद्दाख के अंतर्गत और खास करके ये आता है पीओके के अंतर्गत और ये वो पॉइंट है जहां से होकर के जो इंडस रिवर है वो हमारी इंडिया से बाहर जाती है बात क्लियर है यहां तक चुसूल सेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ये आता है ईस्ट लद्दाख के अंतर्गत यानी कि आप कह सकते हो ये लेह के अंतर्गत आता है चुसूल सेक्टर और पैगोंग सो लेक अगर ये है तो यहां पर चुसूल है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा लालटिन सेक्टर जो है ये हमारा सिक्किम के अंतर्गत आता है यहां हमारी सेना अपना सेना का यहां पर बंकर बना हुआ है और दौलत बेग ओल्दी की अगर मैं बात करूंगा तो यह है नॉर्थ लेह के अंतर्गत आता है अब याद रखना आप जो चुस्सूल सेक्टर है इसके पास में सेना की एयर स्ट्रिप बनी हुई है यानी हवाई अड्डी यहां पर हवाई पट्टी बनी हुई है और चुस्सूल सेक्टर के पास में ही एक पर्वतीय दर्रा है जिसे रेजांगला का नाम दिया गया है और इसी के आगे की तरफ अगर हम जाएंगे इधर यानी कि नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक और यहां पर दर्रा पड़ता है जिसका नाम है रेजिनला रेजांगला रेजिंगला ओके तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा चुसूल सेक्टर हो जाएगा चुसूल घाटी हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दाचीगाम ठीक है दाचीगाम किश्तवाड़ सलीम अली हे मिस दाची गांव जम्मू कश्मीर में पड़ता है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में पड़ता है सलीम अली जम्मू कश्मीर में पड़ता है है ना और हे मिस ये पड़ता है लद्दाख में तो आप मुझे ये बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कि इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जल्दी से कमेंट करके बताइए पहला है दाचीगाम दूसरा है किस्तवार और तीसरा है सलीम अली और चौथा है हेमिस नेशनल पार्क बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है और ये हेमिस नेशनल पार्क बेसिकली लद्दाख में स्थित है और किसके लिए जाना जाता है ये तो आपका आंसर होगा स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है ये? है ना किसके लिए जाना जाता है स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ तो किश्तवाड़ में ही पड़ता है और ये पड़ता है आपका श्रीनगर में और ये भी श्रीनगर में पड़ता है जम्मू कश्मीर में एक और नेशनल पार्क बताया था मैंने काजीनाग और वो काजीनाग कहां पर है तो आपका आंसर होगा काजीनाग कहां पर पड़ता है बारामूला में बारातांग इज नोन फॉर कितने प्यार से मैंने आप लोगों को अंडमान निकोबार के बारे में पूरा वहां ऐसे विकसित हुए जो क्या रिलीज करते हैं जो रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं एस एंड एस को रिलीज करते हैं और गैसेस को रिलीज करते हैं बट कुछ वॉलकेनो ऐसे भी हैं जो कि मड को रिलीज करते हैं और अंडमान निकोबार में टोटल ग्यारह मड वॉल कैनो है जिनमें से आठ मड वॉल कैनो बारातांग में है और वहीं अगर हम बात करेंगे तीन मड वॉल केनो की तो वो कहां पर है दिगलीपुर याद आ रहा है कुछ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो बारातांग है ये मड वॉल कैनो है और यहां पर कितने हैं तीन ना ना यहां पर कितने हैं आठ और दिगलीपुर जो सिटी है दिगलीपुर में कितने पड़ते हैं टोटल तीन इंडियन आइलैंड विच वॉज इन्वेडेड बाई जैपनीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेयर बंकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा भारतीय द्वीप पर आक्रमण किया गया था यहां बंकर पाए जाते यानी कि जापान के बने हुए बंकर यहां पर आज भी मौजूद हैं जिन्हें लोग देखने के लिए जाते मतलब टूरिस्ट का पार्ट है वो पहला ऑप्शन है सेंटिनल आइलैंड दूसरा ऑप्शन है रॉस आइलैंड चौथा ऑप्शन है रूट आइलैंड और लास्ट है लैंडफॉल आइलैंड लैंडफॉल आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये अंडमान निकोबार का नॉर्थ मोस्ट है बोलो हाँ या ना। अगर मैं रूट आइलैंड की या रट आइलैंड की अगर बात करूंगा तो ये है ये किसके अंतर्गत आता है जो साउथ अंडमान है उस साउथ अंडमान का साउथ पार्ट है हाँ या ना सेंटिनल आइलैंड जो है ये किसके लिए जाना जाता है बेसिकली न्यू सेंटिनल आइलैंड है और सेंटिनलीस जनजाति के लिए जाना जाता है आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में रॉस आइलैंड आएगा रॉस आइलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा और इसका प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड राइट इसका नाम चेंज कर दिया गया ना नाम क्या कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड ओके पूरा क्लियर है चलिए जारवा इज पॉपुलर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ जारवा कहा की लोकप्रिय आदिवासी समुदाय है अंडमान के अंतर्गत आता ही है निकोबार के अंतर्गत लक्षद्वीप के अंतर्गत या कोको द्वीप के अंतर्गत मैंने आपको क्या पढ़ाया था अगर हम अंडमान निकोबार की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको अगर हम ह्यूमन रेसेस के डिवीजन के अकॉर्डिंग देखेंगे <coughs> तो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था एक तो मंगोलॉइड था और एक निग्रेटो था राइट तो मंगोलॉइड जो है वो सबसे ज्यादा हम यू कह सकते हैं अंडमान पर विकसित हुए है ना मंगोलॉइड और जो निग्रेटो है वो निकोबार पर देखने को मिलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो जारवा जनजाति है वो अंडमान पर देखने को मिलती है और अंडमान में भी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कहां तो आपका आंसर होगा साउथ अंडमान पर पूरी तरह से ये देखने को मिलते हैं ओके चलिए विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर निकोबारी पिजन एंड डोगोंग कौन सा राष्ट्रीय उद्यान निकोबारी कबूतर और डोगोंग के लिए जाना जाता है पहला ऑप्शन है सैडल पीक दूसरा है झांसी रानी तीसरा है गैलिथिया चौथा है नॉर्थ बटन नॉर्थ बटन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या देखने को मिलता है यहां पे मैंने बताया था कि यहां पे डुगोंग देखने को मिलता है ब्लू वेल भी देखने को मिलता है गैलेथिया की अगर मैं बात करूंगा तो गैलेथिया पर क्या देखने को मिलेगा और सैडल पीक और आपका झांसी रानी झांसी रानी की अगर हम बात करेंगे तो स्पेशली डुगोंग देखने के लिए मिलता है यहां पे और फलों को खाने वाली चमकादड़ देखने को मिलती है सैडल पीक पर इंपीरियल पिजन देखने को मिलता है जबकि वहीं अगर हम बात करेंगे गैलेथिया की तो गैलेथिया नेशनल पार्क जो है वो निकोबारी कबूतर और डुगोंग के लिए जाना जाता है तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा ओके चलिए ये भी बहुत से स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है वेरी गुड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हमारे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पहला ऑप्शन है हेमिस दूसरा है नॉर्थ बटन तीसरा ऑप्शन है साउथ बटन और चौथा है मिडिल बटन बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ जी सर ये लिखने हैं मैं ऑलरेडी इनको पूरा पढ़ा चुका हूं आप अब लिखने की बात कर रहे हो आपके साथ वाले इनके आंसर कर रहे हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है आपसे देखो हेमिस तो हमारे भारत का सबसे बड़ा हो गया और कहां पर है लेह में है ठीक है बाकी सारे के सारे अंडमान निकोबार में दे रखे अगर हम बात करेंगे साउथ बटन आइलैंड की तो ये हमारे इंडिया का स्मॉलेस्ट है और ये कहां पर स्थित है तो तब आपका आंसर होगा ये पड़ता है सर साउथ अंडमान पे मैंने मैप से कराए थे ना अंडमान निकोबार के जो नेशनल पार्क है है ना तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है डोडा है राममन है किश्तवाड़ है या बांदीपुर है बताइए जल्दी से कौन सा है सबसे बड़ा जिला जम्मू कश्मीर का कौन सा है करेक्ट आंसर करिए जल्दी से कौन सा सबसे बड़ा जिला है जम्मू कश्मीर का करेक्ट आंसर सी है या डी है डोडा बड़ा नहीं है करेक्ट आंसर सी होगा किश्तवाड़ जो है यह बड़ा है और सबसे छोटा है गांधरबल टी फोर्टी रेलवे टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन जो T49 टनल है वो किस रेंज को काट करके बनाई गई है और इसके बारे में हमने जम्मू कश्मीर में ही पढ़ा था पहला ऑप्शन है पीर पंजाल रेंज को काटकर दूसरा ऑप्शन है धौलाधर रेंज को काटकर चाय ठंडी हो गई तीसरा ऑप्शन है शिवालिक और चौथा है नागटिब्बा ये तो गलत मत करना नहीं में पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा हाँ जी ये तो खूब खींच के पढ़ा रखी है चार चार पांच पांच बार पड़ा रखी है मैंने बताया था कि पीर पंजाल रेंज के बारे में आपको जम्मू कश्मीर में दो बातें याद रखनी है <laughs> जवाहर टनल और एक टी फोर्टी नाइन रेलवे टनल याद आया और इसी पीर पंजाल रेंज में जब आप हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाओगे तो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है अटल टनल स्थित है या नहीं कौन सी टनल है अटल टनल करेक्ट आंसर ए। 2004 भारत सुनामी की आपदा से प्रभावित हुआ था इसका कारण क्या था हमारे भारत में 2004 में जो सुनामी आई थी उस सुनामी के पीछे कारण क्या था पहला ऑप्शन है प्लेट कोलिजन प्लेटों का टकराना दूसरा ऑप्शन था वॉल ज्वालामुखी की क्रिया होना सी बहुत तेजी से आना या फिर किसी साइक्लोन का आना भारत में सुनामी आने के पीछे कारण क्या था बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे भारत में सुनामी आने के पीछे जो कारण था 2000-2004 में तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है एक्चुअल में दो प्लेटों के बीच में कोलिजन हुआ था एक तो इंडियन प्लेट और जो दूसरी प्लेट थी उसी का नाम था बर्मी प्लेट इन दोनों के कोलिजन के वजह से ही अंडमान निकोबार बनाया और 2004 में ये जब फिर से से टकराई तो इनके टकराने क्या हुआ सुनामी आई हमारे भारत में जिससे बड़ा नुकसान हुआ था लगभग अगर हम बात करेंगे न्यू सेंटिनल आइलैंड की तो ये न्यू सेंटिनल आइलैंड जो था ये लगभग दो मीटर तक ऊपर उठ गया और क्या नुकसान हुआ जो हमारे इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो था यानी कि ग्रेट निकोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था इससे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा और याद रखना एक पॉइंट और याद रखना सुनामी पे सुनामी किस भाषा का शब्द है जापानी भाषा का शब्द है और एक पॉइंट और याद रखना कि सुनामी आने के पीछे अगर यहां अर्थक्विक होता ना अच्छा मेरी बात सुनो अर्थक्विक आप कौन सा करेक्ट आंसर होता बताओ जापानी भाषा का शब्द है सुनामी अगर यहां एक और ऑप्शन दे रखा होता और इसमें दे रखा होता कि हाई इंटेंसिटी अर्थक्विक तो फिर करेक्ट आंसर क्या लगाते हैं आप बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर फिर आप क्या लगाते ए या ई अच्छा ऐसा तो नहीं अनुमान इसलिए लगा दिया होगा कि मैंने लास्ट में लिखा है तो फिर सिंपल सी बात है यही इसी को लगा देते हैं याद रखना कभी भी डायरेक्ट सुनामी नहीं आती है एक्चुअल में सबसे पहले अर्थक्विक आएगा सुनामी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे अर्थक्विक जब आएगा तो हाई इंटेंसिटी की काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी के कारण सुनामी आती है अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना सुनामी आने का कारण एक ही होगा उच्च तीव्रता का भूकंप अब ये भूकंप क्यों आया इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं मानकर चलो हो सकता है वहां पर बॉलकेनिज्म हुआ हो मानकर चलो वहां पे प्लेट टकराई हो, है ना? तो आप ये नहीं कह सकते कि वॉल्केनिज्म के कारण सुनामी आ गई ना आप ये बोलोगे अर्थक्विक के ही कारण अगर दोनों ऑप्शन में दिए हों तो प्रायोरिटी आपको अर्थक्विक को देनी है याद रखना इस चीज को इन इंडिया हाउ मेनी ब्लू टैग बीचेस आर लोकेटेड हमारे भारत में टोटल हमारे भारत में टोटल कितने ब्लू टैग बीचेस हैं बताइए जल्दी से हमारे भारत में कितने ब्लू टैग बीचेस हैं श्रेष्ठ सैनिक खुशी सॉरी भाई साहब कमेंट आ रहा है बाय जॉन पढ़ ले दिल फुके आशिक ठीक है या ब्लू टैग बीचेस की बात हो रही है वो बाय कर रहा है <laughs> कितनी संख्या है पहले ऑप्शन में दे रखा है आठ दूसरे ऑप्शन में दे रखा है दो तीसरे में पांच और चौथे में बारह ब्लू टेक बीचेस की संख्या कितनी है टोटल बारह है और हमने स्पेशली जो हमारा मैपिंग सेशन था उसमें लक्षद्वीप के बीचेस के बारे में डिस्कशन किया था जो दो थे एक तो था मिनी थुंडी और दूसरा था कदमत लक्षद्वीप के कितने हैं दो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है रेलवे ब्रिज की बात की जा रही है जिसकी हाइट समुद्र तल से तीन मीटर है और यह कहां पर है जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में है तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर के रियासी में है और यहां पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है यह भी मैंने बताया था तो यहां नदी कौन सी बहती है ये बताओ <coughs> कावेरी तवी नदी झेलम नदी या फिर चिनाब नदी बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कौन सी नदी कौन सी नदी करेक्ट आंसर इसका डी होगा ओ सॉरी डी नहीं हमसे भी गलत हो जाता अभी चिनाब नदी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रियासी में सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है करेक्ट आंसर इसका सी होगा सोनमर्ग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनमर्ग जो है वो किसका उदाहरण है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है देखते ही टिक कर दोगे बताओ जल्दी से <coughs> बताइए फटाफट पड़ से सोनमर्ग किसका एग्जाम्पल है पहले ऑप्शन में दे रखा है ग्रासलैंड का दूसरे ऑप्शन में दे रखा है डेजर्ट का तीसरे ऑप्शन में दे रखा है वैली यानी कि घाटी का चौथे ऑप्शन में दे रखा है प्लेट्यू यानी पठार का बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा एक्चुअल में ध्यान से सुनना एक्चुअल अगर मैं बात करूंगा बेटा सर सब पढ़ लेते हैं सर की आंखें ऐसी चार नहीं हो गई ठीक है सब कुछ दिखाई देता है एक एक कमेंट पे नजर होती है ठीक है सुन रहे है रंजन कुमार ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो देखो उत्तराखंड में जैसे ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है बुग्याल कहा जाता है याद आ रहा है वैसे ही जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जो ये ग्रासलैंड है इनको मर्ग कहा जाता है और मर्ग से ही बना हुआ है क्या सोनमर्ग गुलमर्ग इसी से बना हुआ है गुलमर्ग और सोनमर्ग आगे बात समझ में तो ये हमारे भारत की बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत के ये क्या है ग्रासलैंड है सोनमर्ग और गुलमर्ग ओके करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का कौन सा क्षेत्र सेब के बगीचे के लिए प्रसिद्ध है मतलब सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में कहां होता है पहला ऑप्शन है बारामूला सॉरी पुलवामा में दूसरा ऑप्शन है बारामूला में तीसरा ऑप्शन है जम्मू में और चौथा ऑप्शन है डोडा में बताओ जल्दी से <coughs> कहां पर जल्दी से करेक्ट आंसर चाहिए मुझे ऐसे नहीं मजा आ रहा है कमेंट स्पीड में जा रहा है वाचिंग कम में कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए भीड़वाड़ नहीं जितनी है ठीक है और कम हो जाए सो तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना डेढ़ सो दो सौ कोई दिक्कत नहीं है बस पढ़ने वाले चाहिए नहीं चाहिए हाँ जी आपको मैंने अच्छे से लिखाया था कि एप्पल गार्डन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है खुशी की बात यह कि सभी लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया है आंसर इसका बा... अच्छा बारामूला लिखा हुआ है यार एप्पल गार्डन लिख देता हूं मैं यहां पे अच्छा मुझे एक और चीज बताओ डोडा में एक पेंटिंग बनाई जाती है जिसको जीआई टैग मिला है है ना उस पेंटिंग का नाम बता दो जम्मू कश्मीर की एकमात्र फेमस पेंटिंग कौन सी है <coughs> क्या नाम बताया था मैंने उस पेंटिंग का मैं भूल गया हूं जरा मुझे याद दिला दो चेतन कुमावत का सबसे पहले आंसर आया वेरी गुड क्या नाम था इसका बसोली पेंटिंग है ना बसोली पेंटिंग जो है वो काफी ज्यादा फेमस है आगे बढ़ते नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार इज जो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा अंडमान निकोबार है उसकी शुरुआत कहां से होती है रट आइलैंड से बारातांग से लैंडफॉल से नॉर्थ बटन से और लैंडफॉल ऐसा है हिंदी में अगर ऑप्शन पढ़ा ना तो रू कांप जाएगी तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते मैं खुद मुझे ऐसी आ गई इसको देखकर भूमि बिछल <laughs> ये आपको ज्यादातर ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा लैंडफॉल आइलैंड या लैंडफॉल दुई बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ जी क्या आंसर होगा इसका सर आप क्यों हंसे वो उसकी शुद्ध हिंदी देख के मैंने खुद नहीं पढ़ाई है भू पिछल करके है ना लैंडफॉल आइलैंड जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा मैंने बताया था इसके बारे में कि यहां पे लैंडफॉल के नाम से ही यहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये भी बताया था मैंने कि जो लैंडफॉल आइलैंड है जैसे ये लैंडफॉल आईलैंड है और यहां से शुरू होगा फिर हमारा नॉर्थ अंडमान ये हो गया लैंडफॉल तो यहां पे एक चैनल है यानी जलीय बहाव है जिसको क्या नाम दिया गया है क्लूज या क्लॉज चैनल कहा जाता है इसको और इस क्लॉज चैनल के ऊपर एक और चैनल पड़ता है यहां पर इसका नाम है कोको चैनल राइट कोको चैनल के ऊपर कौन सा कंट्री है फिर यहां पे म्यांमार है ना कौन सा कंट्री है म्यांमार क्लियर है भाई चलो आगे बढ़े दिगलीपुर किस द्वीप पर स्थित है दिगलीपुर के बारे में मैंने कई सारे पॉइंट बताए थे हर गले में दिगलीपुर के बारे में मैंने कई सारे पॉइंट बताए थे आप लोगों को यह है हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी यहां पर मड वॉलकेनो भी पाया जाता है एक और पॉइंट हम आपको बताए थे जिसमें हम आपसे बोले थे कि यहां पे याद आ रहा है कुछ कालपुंग के नाम से यहां पे एक एकमात्र क्या है रिवर जिसका नाम क्या है कालपुंग रिवर तो ये किस वाले अंडमान पर स्थित है आपको ये बताना है राइस प्रोडक्शन भी इसी पर था राइट सही लिखा है आपने आंसर हो जाएगा नॉर्थ अंडमान पे करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा ओके क्वेश्चन फिनिश हाँ जी चलो हैडिंग डालो शुरुआत कर देते हैं हाजी अच्छा ये बताओ क्वेश्चन लगा के मजा आया नहीं आया मुझे खुशी की बात यह कि आप लोगों से मैंने जो कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है आप लोगों ने करेक्ट आंसर बताया है उसका मतलब कि आप अपनी क्लास में जो भी पढ़ रहे हो उसको मजे के साथ पढ़ रहे हो है ना <coughs> आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहेंगे क्योंकि जैसे ही हमारे लगभग दो से तीन स्टेट और हो जाएंगे तो तुरंत हम उसके क्वेश्चन पर फिर पहुंच जाएंगे ओके सबसे पहली बात ये हमारे इंडिया का क्या है तो आपका आंसर होगा ये है यूनियन टेरिटरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका ओल्ड नेम क्या था ओल्ड नेम अगर पूछा जाता है क्या था तो आपका आंसर होगा चेरी। फिर ये नेम चेंज कब हुआ है पुडुचेरी कब हुआ है आंसर होगा आपका 2006 में अगर पूछा जाता है कितने जिलों में डिवाइड किया गया है इसे है ना तो आपका आंसर होगा डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू फोर डिस्ट्रिक्ट है ना इसे क्या किया गया है तो आपका आंसर होगा चार जिलों में बांटा गया है और ये चार जिले हैं कौन कौन से देखो एक तो है पुडुचेरी नाम से ही दूसरे की अगर मैं बात करूंगा तो एक है कराईकल कराईकल है है, कराईकल लिख देता हूं नेक्स्ट है यनम यमन मत कर देना पता अरे वहां पे पहुंच जाओ अरेबियन पेन पे और एक है माही। पुडुचेरी कराईकल माहे, ठीक है अब ध्यान से सुनना यह ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जिले दूसरे राज्यों में फैले हुए हैं अगर मैं पुडुचेरी और कराईकल की बात करूंगा तो ये कहां पर है प्रेजेंट टाइम में ये है तमिलनाडु में ठीक है कहां पर है ये तमिलनाडु में मौजूद है वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे यनम की तो यनम वाला जो है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में और अगर माहे की बात करेंगे हम तो ये पड़ता है कहां आंसर होगा केरला में अगर आपसे एक लाइन में यह पूछा जाता है कि ये आखिरकार जाना किस लिए जाता है पुडुचेरी किस चीज के लिए फेमस है राइट तो सीधा सीधा हम लिखेंगे यहां पे फेमस फॉर टूरिज्म यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है चीज के लिए प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए पर्यटन के लिए क्यों प्रसिद्ध है तो इसके पीछे कारण है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पे हमें देखने को मिलता है फ्रेंच कल्चर यहां देखने को मिलता है हमें फ्रेंच इंफ्रास्ट्रक्चर है ना यहां पे हमें एक तो फ्रांसीसी संस्कृति संस्कृति देखने को मिलती है और यहीं पर हमें देखने को मिलती है फ्रांसीसी निर्माण शैली ठीक है और प्राचीन समय में यह किस कार्य के लिए जाना जाता रहा है तो आपका आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन यानी कि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूरा नोट करेंगे जल्दी से किसके लिए जाना जाता रहा ये तो आपका आंसर होगा सूती वस्त्र उत्पादन ठीक है एक्चुअल में ये गांव हुआ करता था ठीक है जिसे फ्रांसिसियो ने ही विकसित करके एक बंदरगाह में कन्वर्ट कर दिया जाता है कर दिया था एक विलेज था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था किस में? सी सीपोर्ट में और कब की बात है ये सोलह सौ सो तिहत्तर में ठीक है सीपोर्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था किसके द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा उन्नीस में यह डिसाइड हुआ कि भाई फ्रांसीसी इसे हमें वापस देंगे उन्नीस में पूरी तरह से ये हमारे पास आया है ना तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में है ना वहां पढ़ेंगे आपको अच्छे से है कि यहां पर पहले फ्रांसीसी आए और धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इन्फ्लुएंस बड़े तरीके से बढ़ने लगा और आपको याद आ रहा होगा वाणीवास का युद्ध हुआ था 1760 में उस साठ के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फ्रांसिसियों का पूरी तरह से दमन कर दिया था इनको बर्बाद कर दिया था लेकिन उसके बाद में सत्रह में पेरिस की संधि हुई थी उस पेरिस की मतलब सत्रह में वाणीवास के युद्ध के समय पांडचेरी को और चंद्रनगर था आप लोगों ने सुना होगा पश्चिम बंगाल का उसे छीन लिया था अंग्रेजों ने लेकिन जो पेरिस की संधि हुई सत्रह में उसके तहत ध्यान से सुनना सत्रह क्या नाम है क्या बोल रहा था मैं पेरिस की संधि सत्रह के तहत वापस से उनको मिल गया इस क्षेत्र पर बेसिकली फ्रांसीसी अपना अधिकार जमाए रखना चाहते थे इसके पीछे कारण भी था क्योंकि कारण सबसे बड़ा इसके पीछे यही था क्योंकि यहां पे ये कॉटन तो, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते थे और प्रोडक्शन करने के बाद ये लिंक बनाए रखा था इन्होंने किससे तो आपका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन कंट्रीज से है ना मलक्का स्टेट से होकर के ये व्यापार करते थे एक नवंबर उन्नीस को फ्रांसीसी सरकार ने निर्णय लिया था कि हम पौंडचेरी को क्या कर देंगे पूरी तरह से आजाद कर देंगे है ना उन्नीस में निर्णय लिया था कि जो पश्चिम बंगाल का चंदन नगर है वो जो चंदन नगर है हम उसको आजाद कर देंगे पश्चिम बंग वहां जनमत संग्रह कराया गया पश्चिम बंगाल को देने का निर्णय हुआ बट 1950 में वो पूरी तरह से ट्रांसफर हुआ था और आप याद रखना उन्नीस में पांडचेरी को फ्रांसीसी सरकार ने भारत को वापस करने का निर्णय लिया था वैधानिक रूप से ये भारत का अस्तित्व में कब आया तो उन्नीस है ओके ये चीज आपको ध्यान में रखनी है आज के सेशन में इतना ही रखते हैं कल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे और कल इसको फिनिश करके आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे एक तरफ से यूनियन टेरिटरी को कंप्लीट करते चल रहे हैं आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी समझ आई होंगी और आपके लिए बेनिफिशियल होंगी ये बात समझ ही पा रहे हो क्योंकि आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चन लगाया उसमें जम्मू कश्मीर के हमने नेशनल पार्क को भी कवर कर लिया मेन मेन पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनको हम लोगों ने फोकस कर लिया है ना बाकी वीडियो को शेयर करना और लास्ट में क्लास के एंड में अपना रिव्यू देना तो आप भूलेंगे ही नहीं ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप लोगों से आपको पता है आज मैं ट्रैफिक में फंसने के चक्कर में सुबह जोग्राफी स्पेशल बैच की क्लास मैंने चेंज कराई और वो फिर ऑफ ही करनी पड़ी बट आपका जो सेशन है ये ऑफ नहीं हुआ और ये कल भी ऑफ नहीं होगा है ना तो मैं इस सेशन को लेने वाला हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्राइडे तक लेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद तो फिर होली की छुट्टियाँ पड़ी जाएंगी ठीक है आप मन लगा के पढ़ाई करते रहो आप लोगों को साफ दिख भी रहा होगा और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो सेशन है आपको इतना काबिल जरूर बना देगा कि हर एक जानकारी हर एक राज्य के बारे में आपके पास होगी ठीक है मतलब वहां के चाहे कल्चर की बात है चाहे वहां के वहां के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात है या वहां का इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है ओके तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों गुड नाइट आराम से खाना खाओ डिनर करो और कुछ लोग तो अब चिकन डिनर करेंगे पबजी में है? खेलते हो या खत्म हो गया वो क्या हुआ उसका मुझे तो वास्तक सेम समझ ही नहीं आया लेकिन हाँ इतना जरूर देखा है कि जो खेलने वाले होते हैं भाई से बिल्कुल पागल हो जाते हैं फोन को तिरछा करके उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है वो इतने मगन होकर खेलेंगे कि वहां क्या हो जाए कभी कभी सुनामी आ जाए भूकंप आ जाए कोई असर ही नहीं है उनके ऊपर और बच्चों के अंदर लत ज्यादा है सबसे बड़ी मेरा छोटा भान जाए वो भाई साहब अगर एक बार खेलने बैठ जाए तो आप चाहे मार्केट चले जाओ कहीं भी चले जाओ दुनिया में उसको दो दिन अकेला छोड़ दो कोई मतलब नहीं जब तक पूरा मामला फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेगा ही नहीं चलिए वो सब खेलना भी चाहिए देखो जिस चीज में आपकी रुचि है बट उतना नहीं कि थोड़ा ओवर हो जाए ओके छोड़ दिया सर बहुत गंदा है मैं वही तो बता रहा हूँ थोड़ा लत सी लग जाती है ना उसकी शायद एनी वे चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल आठ बजे पॉइंट चेरी ठीक है